वेलकम टू यास्मीन उमा खान किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन चंगेजी, जिसके लिए लिया है मैंने 600 ग्राम चिकन है, ये बोनलेस चिकन लिया है, आप चाहें तो विद बोन ले लें। 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 कप क्रीम है फुल फेट क्रीम, 200 ग्राम दही, 2 बड़े टमाटर हमने पीस लिए हैं, ग्राइंड कर लिए हैं, 1 प्याज, आधा कप काजू, 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, 4 हरी मिर्चें, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 बड़ी चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 बड़ी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। आधा नमक डाल देंगे हम यहाँ, रेड चिली पाउडर, दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा गरम मसाला। अब इसको डालकर हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसे, करीब 20 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे। हमारे चिकन को 20 मिनट हो चुके हैं और यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, आराम से मैरिनेट हुआ है, तो अब हम इसे पकने रख देंगे। तो सबसे पहले हम खाली कढ़ाई में, कढ़ाई हमारी गर्म है, इसको हम पका लेंगे। पानी खुश्क होने तक इसको पका लेंगे, ये टेंडर भी हो जाना चाहिए। हमारा चिकन गलने तक हम इसे कवर कर देंगे और तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो इसे हम घी में बनाने जा रहे हैं और ये देसी घी है हमारा, होममेड। इसको हम गर्म कर लेंगे, हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे प्याज, साथ इसमें डाल देंगे काजू, और इनको लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। अनियन को अब हम, अनियन और काजू दोनों को हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। और गरम घी है हमारा, अब इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे थोड़ा भून लीजिए। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटो प्यूरी, धनिया पाउडर, बचा हुआ सॉल्ट, चाट मसाला पाउडर, इन सबको अच्छे से भून लेंगे हम। हम डाल देंगे काजू और अनियन का जो पेस्ट है वो भी हम इसी में डाल देंगे और कुछ मिनट इसे और पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे दूध, आधा कप दूध है ये हमारा, हमने थोड़ा सा काजू के पेस्ट में डाल दिया, आधा हम यहाँ डाल दिया क्रीम, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा चिकन एकदम टेंडर हो चुका है, ये देखिए, और अब हम इसमें ये डाल देंगे
स्लो फ्लेम कर दीजिए आप अपना। और इसमें डाल लेंगे हम हरी मिर्चें, हमने बहुत फाइन चॉप की हुई है, गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया पत्ती, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, और इसमें डाल देंगे लास्ट में हम कसूरी मेथी, हाथ से रगड़ कर डाल दीजिए और इसे एक बार चला दीजिए, कवर करके इसे 5 मिनट दम पर पका लीजिए और ये तैयार है। अब इसमें नमक में जो भी है अभी टेस्ट कर लीजिए। 5 मिनट हो गए हैं हमारी चंगेजी के लिए और अब ये एकदम रेडी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे और चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तैयार है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेजी। इसको आप तंदूरी रोटी से खाएं या घर की रोटी से, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।